asalaamu alaikum and warm welcome to everyone on redeem knowledge youtube channel as you all are aware that we have started a lecture series for jkssb female supervisor post and i'll be teaching you the second unit of your specialization course the first topic of your second unit is gender inequalities and issues before i come to this topic it's important for all of you to know about the gender एंड जेंडर रिलेटेड टर्म्स इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सब के लिए जरूरी है आप जेंडर और जेंडर के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको समझें आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जेंडर और जेंडर के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको सिखाऊंगा माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरी वन इज़ प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन

आप बिल्कुल स्क्रीन की तरफ देखिएगा सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जेंडर क्या होता है आप डेफिनेशन पर देख सकते हैं जेंडर रेफर्स टू द सोशली कॉन्स्ट्रक्टिड रोल्स बिहेवियर्स एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ एसोसिएटेड विद बींग मेल और फीमेल मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा समाज में मैन और वेमेन के लिए कुछ रोल्स डिफाइन किए जाते हैं लाइक like, एज अ मेल आपका क्या रोल है एज अ फीमेल आपका क्या रोल है एज अ मेल आप क्या पहन सकते हैं एज अ फीमेल आप क्या पहन सकते हैं ऑलरेडी डिफाइंड होती है समाज के द्वारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसको एज अ मेल अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है एज अ फीमेल कैसे एक्सप्रेस करना है ये सारी चीज़ें हमें समाज बता देता है कि एक मेल क्या कर सकता है फीमेल क्या कर सकती है आर्योगेटिव मे पॉइंट दैट इज़ वाई वी आर सेग देट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड यानि समाज द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती है कि एक मेल क्या कर सकता है क्या रोल निभा सकता है ये कैसे बिहेव कर सकता है ये अपने जेंडर को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है एज अ मेल कैसे एक्सप्रेस करेगा एज अ फीमेल ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगी आर्योगटिव मे पॉइंट सो दीज आर सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड समाज द्वारा बनाई जाती है हमारा समाज हमें कहता है कि एज अ मेल आप क्या कर सकते हैं एज अ फीमेल क्या कर सकते हैं बट इसमें एक बात आपको याद रखनी है इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल सेक्स इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल सेक्स ये बिल्कुल बायोलॉजिकल सेक्स से भी मुख्तलिफ है जेंडर और सेक्स दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स जैसा कि मैं बता चुका हूं जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टिव अब सेक्स क्या है इट रेफर्स टू ए बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फिनन विच डिफाइन्स मैन एंड वेमन जब एक बच्चा जन्म लेता है आप मुझे बताएं उस बच्चे को हम मेल या फीमेल किस चीज से डिक्लेयर करते हैं उस बच्चे को हम मेल या फीमेल उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से डिक्लेयर करते हैं यानी उसकी फिजिकल अपियरेंस क्या है उसकी बायोलॉजिकल कंपोजिशन क्या उसकी है उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको देखकर हम कहते हैं बच्चा मेल है या फीमेल है जब हम फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर कहेंगे बच्चा मेल है या फीमेल है तो उसी को हम सेक्स कहते हैं गेटिंग माई पॉइंट जब एक बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस क्या है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेस्ड ऑन दैट हम उसको मेल या फीमेल डिक्लेयर करते हैं और उसी चीज़ को हम कहते हैं सेक्स सेक्स बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे और जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड अब दूसरी टर्म पे हम आते हैं दैट इज़ जेंडर सोशलाइजेशन सो बिफोर आई कम टू जेंडर सोशलाइजेशन सबसे पहले हम सोशलाइजेशन को समझेंगे सोशलाइजेशन क्या होता है सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए से हम चीज़ों को सीखते हैं लर्न करते हैं इंटरनलाइज करते हैं समाज के नॉर्म्स, वैल्यूज़ उनको सीखना उनको समझना उनको एक्वायर करना हम इसको सोशलाइजेशन कहते हैं जो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं एक बच्चा जब जन्म लेता है वो अपनी ज़ुबान सीखता है चीज़ों को सीखना जब हम समाज में कोई भी चीज़ सीखते हैं एक बच्चा जब जन्म लेता है जो कोई भी चीज़ वो सीखता है लाइक like नॉर्म्स हो वैल्यूज़ हो या अपनी मदर टंग हो उसकी मदर टंग क्या है ये सारा कुछ इसी सोशलाइजेशन प्रोसेस में आता है बात समझ में आती है ना मुझे कैसे चलना है मुझे कैसे उठना है मुझे कैसे बैठना है तो ये सोशलाइजेशन कहलाता है कि हम जिसमें हम चीज़ों को सीखते हैं कहाँ सीखते हैं फ्राम आवर पेरेंट्स फ्राम आर फैमिली फ्राम आर सोसाइटी फ्राम आर फ्रेंड्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट जो कोई भी चीज़ हम उनसे सीखते हैं दैट्स कॉल्ड सोशलाइजेशन अब जेंडर सोशलाइजेशन क्या है देखिए जेंडर सोशलाइजेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली जेंडर रिलेटेड सोशलाइजेशन होती है यानी एज अ मेल आप वही चीज़ें करोगे जो आपका फादर करता है एज अ फीमेल आप वही चीजें इमिटेट करोगे जो आपकी माँ करती है बात समझ में आती है ना एक फीमेल अपनी माँ को फॉलो करेगी एक फीमेल अपनी माँ को इमिटेट करेगी मेरी माँ कौन से रोल्स निभाती है मैं भी वही निभाऊंगी और एक मेल अपने फादर को देखेगा कि मेरा फादर कौन से रोल्स निभाता है वो वही करेगा आपको बात समझ में आती है ना यानी फीमेल वही कुछ सीखेगी जो उसकी माँ करती है और मेल वही कुछ सीखेगा जो उसका फादर करता है दिस इज़ कॉल्ड जेंडर सोशलाइजेशन क्योंकि वो सीखता है किससे सीखता है मेल फादर से फीमेल मदर से या मेल अपने भाई से सीखेगा फीमेल अपनी सिस्टर से सीखेगी आर यू गेटिंग आई पॉइंट तो ये चीज़ें आती हैं जेंडर सोशलाइजेशन में जब आप चीज़ें अपनी जेंडर के हिसाब से सीखते हैं तो उसी को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं ये जेंडर सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है एक फीमेल माँ से बहन से या अपनी उसकी फ्रेंड से एट द सेम टाइम एक मेल अपने फादर से ब्रदर से या अपने उसके फ्रेंड से ठीक है ना तो इसको हम कहते हैं जेंडर सोशलाइजेशन जब हम जेंडर स्पेसिफिक सीखते हैं अपने जेंडर के बारे में सीखते हैं कि मेरा रोल क्या है मुझे कैसे बिहेव करना है मुझे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं दिस इज़ कॉल्ड जेंडर सोशलाइजेशन एज अ मेल क्या करना है फीमेल क्या करना है तो इसी को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं अब आएंगे हम जेंडर आइडेंटिटी पे जेंडर आइडेंटिटी एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है अब ये जेंडर आइडेंटिटी है क्या एन इंडिविजुअल्स पर्सनल सेंस ऑफ देयर ओन जेंडर विच मे और मे नॉट अलाइन विद द सेक्स दे वर असाइनड एट बर्थ अब इसको समझे अब जेंडर आइडेंटिटी क्या है हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक बच्चे को डिक्लेयर करते हैं मेल है या फीमेल है अगर हमने उसको बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे मेल डिक्लेयर किया है जेंडर आइडेंटिटी में वो अपने आप को मेल ही पेश करेगा लेकिन इसमें दो चीज़ें पॉसिबल है अगर हमने उसको बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे मेल डिक्लेयर किया है तो वो बड़े होकर भी बिल्कुल वही चीज़ें करेगा जो एक मेल करता है ठीक है ना वही रोल्स निभाएगा उसका बिहेवियर वैसा होगा उसके एक्सप्रेशन वै, वैसे ही होंगी अगर हमने उसको फ़ीमेल डिक्लेयर किया हुआ है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर तो वो वही करेगी एज़ ए फीमेल उसका रोल जो होना चाहिए बिहेवियर जो होना चाहिए अब एक्सप्रेशन जो होने चाहिए एज ए फीमेल तो वो वही करेगी एक तो ये पॉसिबिलिटी है दूसरा ये है कि अगर हमने इसको बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे मेल या फीमेल डिक्लेयर किया हुआ है ज़रूरी नहीं है जब वो बड़ा होगा जब वो अपने आप को पहचानेगा जब उसको अपने जेंडर के बारे में पता चलेगा तो वो अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल मुख्ति आएगा ठीक है ना ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर वो मेल है तो वो मेल ही रहेगा ज़रूरी नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोनों चीज़ें पॉसिबल है यानी एक मेल बिल्कुल बड़ा होकर भी वही कुछ करेगा जो मेल को करना चाहिए जो सेट पैटर्न है समाज द्वारा लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है उसको वो मिसमैच सा नज़र आएगा कि जो उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने आप को उससे बिल्कुल अलग देखेगा मुख्तलिफ देखेगा ठीक है ना दोनों चीज़ इसमें पॉसिबल है एक और चीज़ पर आएंगे हम दैट इज़ जेंडर एक्सप्रेशन आप स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा अब ये जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ वन जेंडर आइडेंटिटी थ्रू क्लोदिंग बिहेवियर एंड अपियरेंस एग्जाम्पल अ पर्सन असाइंड मेल एट बर्थ में एक्सप्रेस देयर जेंडर आइडेंटिटी थ्रू वेयरिंग ट्रेडिशनली फेमिनाइन क्लोदिंग एंड अडॉप्टिंग फेमिनाइन मैनरिज्म अब जेंडर एक्सप्रेशन क्या है जेंडर एक्सप्रेशन हमारी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन किस चीज़ से होती है थ्रू क्लोदिंग समाज द्वारा ये भी बताया गया है कि एक फीमेल कौन से कपड़े पहन सकती है और एक मेल कौन से कपड़े पहन सकता है आर यू गेटिंग में पॉइंट एक मेल जो है वो फीमेल के कपड़े लगाता है उसकी मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल अलग होगी या अगर मेल मेल कपड़े लगाता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी हाँ यह मेल है अगर फीमेल फीमेल कपड़े लगाती है ऑब्वियसली उसकी मैनिफेस्टेशन उसके कपड़ों से होती है कि दिस इज फीमेल ठीक अब अगर एक मेल फीमेल कपड़े पहनेगा तो क्या होगा चीज़ें कुछ और नजर आएंगी बात समझ में आती है ना कि कुछ और दिखेगा नहीं इसकी मैनिफेस्टेशन कुछ और है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हमने इसको मेल डिक्लेयर किया था लेकिन इसकी मैनिफेस्टेशन कुछ और है जेंडर एक्सप्रेशन में एक इंसान की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन उसके क्लोदिंग से होती है उसके बिहेवियर और उसके अपेयरेंस से होती है उसके बात करने का स्टाइल कैसा है या उसका वो कैसे समाज में बिहेव करता है या वो क्या पहनता है तो उस चीज़ से हम डिक्लेयर करते हैं कि ये इंसान क्या है इसका जेंडर क्या हो सकता है ये मेल है फीमेल है या थर्ड जेंडर है बात समझ में आती है ना क्लियर तो उसके बाद एक और टर्म है जेंडर डिस्फोरिया जेंडर डिस्फोरिया होता है डिस्ट्रेस और डिसकम्फर्ट एक्सपीरियंसड बाई सम इंडिविजुअल्स ड्यू टू अलाइनमेंट बिटवीन देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्स असाइंड एट बर्थ जेंडर डिस्फोरिया में एक इंसान अपने आप को अपने बायोलॉजिकल सेक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ देखता है मिसमैच होता है हमने किसी को बचपन में मेल डिक्लेयर किया है जब वो बड़ा होता है उसको मिसमैच नजर आता है कि नहीं मुझमें वो ट्रेट्स नहीं है एज ए फीमेल मुझ में वो ट्रेट्स नहीं है बात समझ में आती है ना मिसमैच होता है उसको जब वहां पे सेक्स और जेंडर के बीच मिसमैच हो इंसान उसका बायोलॉजिकल सेक्स क्या है लेकिन जब वो बड़ा होता है वो अपने आप को बिल्कुल मुख्तलिफ देखता है नहीं जो मुझे कहा जाता है मैं ये नहीं हूं आर यू गेटिंग माई पॉइंट उसको डिसकम्फर्ट सा फील होता है जो उसका बायोलॉजिकल सेक्स है और जेंडर में ये दो चीज़ें अलग अलग होती है वो अपने आप को बिल्कुल आइडेंटिफाई अलग करता है कि नहीं मुझे तो बायोलॉजिकल सेक्स की बुनियाद पर तो मेल डिक्लेयर किया गया है या फीमेल डिक्लेयर किया गया है बट आई एम नॉट बायोलॉजिकल सेक्स इज़ नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन द जेंडर तो वो अपने आप को कुछ और देखता है क्योंकि जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो उसमें भी फिर बहुत कैटेगरीज निकलती है इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो कुछ और अपने आप को पाता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट दिस इज़ कॉल्ड जेंडर डिस्फोरिया अब एक और टर्म है जेंडर रोल्स ये जेंडर रोल्स क्या है आप स्क्रीन की तरफ देखिएगा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग हाउ इंडिविजुअल्स शुड बिहेव बेस्ड ऑन देयर जेंडर आइडेंटिटी एग्जाम्पल इन सम कल्चर्स विमन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड वाइल मैन आर एक्सपेक्टेड टू बी द प्राइमरी ब्रैड अब जेंडर रोल है जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सोसाइटी द्वारा समाज द्वारा कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन किए हुए होते हैं अब एज अ मेल आप क्या कर सकते हैं और एज ए फीमेल क्या कर सकते हैं बहुत सारी सोसाइटीज में मेल को कहा जाता है कि दैट इज अ ब्रेड अर्नर इसको कमाना है और फीमेल का क्या काम है इसको घर का काम करना है घर में बच्चों की देखभाल करनी है कुछ कल्चर्स में पाया जाता है कि एक मेल क्या कर सकता है एक फीमेल क्या कर सकती है एक मेल को काम है उसको कमा के लाना है और घर वालों को खिलाना है और एक फीमेल का रोल है घर में बच्चों को या घर की देखभाल करना ठीक है ना तो, तो दिस इज़ कॉल्ड जेंडर रोल एक मेल क्या कर सकता है एक फीमेल क्या कर सकती है बात समझ में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बताया है कि कुछ कल्चर्स में ये पाया जाता है कि एक विमेन को घर का काम करना है एक मेल को आउटसाइड काम करना है लेकिन इसके बरकस भी आप आ, चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं आज के दौर में कि एक फीमेल क्या कर सकती है एक मेल क्या कर सकता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो दिस इज कॉल्ड जेंडर रोल्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग वन मोर टर्म दैट्स कॉल्ड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन अब जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पावर एंड प्रिवलेज बिटवीन मैन एंड वेमन

नहीं शेयर होता है क्या नहीं शेयर होता है चाहे वो वेल्थ हो चाहे वो पावर हो चाहे वो प्रिविलेज हो ठीक है ना या कुछ और हो बिटवीन टू एक को ज़्यादा दिया जाएगा एक को कम दिया जाएगा एंड दिस इज़ कॉल्ड जेंडर स्ट्रेटिफिकेसन चूँकि अब इसके साथ वर्ड जेंडर लगा हुआ है तो यकीनी तौर पर जब चीज़ों को अनइक्वल तरीके से अनफेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जेंडर के दरमियान अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो कि एक को ज़्यादा एक को कम मेल को ज्यादा फीमेल को कम सो दिस इज कॉल्ड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन चाहे वो वेल्थ हो पावर हो प्रिविलेज हो जब इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन मैन एंड वेमेन दिस इज कॉल्ड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन आर यू गेटिंग माई पॉइंट एग्जाम्पल क्या है आज अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं वहाँ पे फीमेल टीचर्स को कितनी तनख्वाह दी जाती है मेल टीचर को कितना तनख्वाह दिया जाता है आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि वहाँ पे वेज डिफरेंस है वहाँ पे सैलरी में डिफरेंस आपको नज़र आएगा एक को ज़्यादा एक को कम एंड दिस इज़ कॉल्ड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है ना अब एक और टर्म आपके सामने हम बात करेंगे अब जेंडर बाइनरी की देखिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनको आपने याद रखना है इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं अब जेंडर बाइनरी क्या है आप स्क्रीन की तरफ देखिएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर इन टू टू डिस्टिंक्ट एंड अपोजिट कैटेगरीज मेल एंड फीमेल एक्सक्लूडिंग अदर जेंडर आइडेंटिटीज एग्जाम्पल मनी सोसाइटीज ट्रेडिशनली रेकग्नाइज ऑनली टू जेंडर्स मेल एंड फीमेल इग्नोरिंग नॉन बाइनरी और जेंडर क्योर आइडेंटिटीज जेंडर बाइनरी में आपको सिर्फ ये याद रखना है जेंडर बाइनरी में हम सिर्फ दो जेंडर्स को रेकगनाइज करते हैं एक फीमेल होता है एक मेल होता है इन दोनों को हम रेकगनाइज करते हैं बाकी जो कोई भी जेंडर है उसको हम रेकगनाइज नहीं करते हैं आपको पता होगा कि आज से 10-20 साल पहले आप लोगों ने सिर्फ यही दो सुनी थी मेल एंड फीमेल आपको ट्रांसजेंडर का नहीं पता था थर्ड जेंडर का नहीं पता था आप दो जेंडर्स को देखते थे मेल है या फीमेल है जेंडर बाइनरी में हम सिर्फ दो जेंडर्स को रेकग्नाइज करते हैं इधर मेल और फीमेल बाकी जो कोई भी जेंडर है उसको रेकग्नाइज़ नहीं किया जाता है ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग नॉन बाइनरी अब नॉन बाइनरी क्या है इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स हु डू नॉट एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई एज मेल और फीमेल एग्जाम्पल अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज एज नॉन बाइनरी मे यूज़ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस अब इसमें क्या है नॉन बाइनरी में थर्ड जेंडर को भी रेकग्नाइज किया जाता है ट्रांसजेंडर्स को भी रेकग्नाइज किया जाता है जेंडर बाइनरी में दो को रेकग्नाइज किया जाता है मेल और फीमेल नॉन बाइनरी में अब बाकी जेंडर्स को भी रेकग्नाइज किया जाता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो दिस इज जेंडर बाइनरी एंड नॉन बाइनरी जेंडर बाइनरी में हम दो जेंडर्स को रेकोगनाइज करते हैं मेल और फीमेल और नॉन बाइनरी में हम ट्रांसजेंडर्स को भी रिकोगनाइज करते हैं इसीलिए फॉर्म जब आप आज भरते हैं आज अब फॉर्म पे देखते हैं मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर इज इट क्लियर टू एवरी वन उसके बाद हम एक और टर्म देखेंगे दैट इज जेंडर एंड ट्रांसजेंडर अब सिस जेंडर क्या होता है अब आप स्क्रीन की तरफ देखिएगा इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स whose gender identity aligns with the sex they were assigned at birth. Example, a person assigned male at birth who identifies as a man is considered cisgender. अब cisgender हम किसको कहते हैं ये important term है अब किसी को हमने biological characteristic की बुनियाद पर male declare किया है जब वो बड़ा होता है वो अपने आप को male ही identify करता है वो अपने आप को man ही identify करता है and this is called cisgender. और हमने उसको फीमेल डिक्लेयर किया था जब वो बड़ी होती है फीमेल एज ए वेमन ही अपने आप को आइडेंटिफाई करती है सो तो वो उसको हम कहते हैं सिस जेंडर ठीक है ना जिसमें कोई चेंज नहीं आती है जिसको मेल डिक्लेयर किया गया बड़ा होकर भी वो मेल ही निकलेगा ठीक है ना फीमेल डिक्लेयर किया है बड़ा होके भी वो फीमेल निकलेगी तो ये सेस जेंडर कहलाता है तो ये अपने आप को मैन ही पाएगा एक फीमेल अपने आप को वेमेन ही पाएगी अब ट्रांसजेंडर क्या है एक और टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म रेफर्स टू इंडिविजुअल्स हुज जेंडर आइडेंटिटी डिफर्स फ्राम द सेक्स दे वर असाइन डेट बर्थ जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ट्रांसजेंडर हम उसको कहते हैं जिसको बायोलॉजिकल सेक्स कुछ और है और जब वो बड़ा होता है वो अपने आप को कुछ और आइडेंटिफाई करता है उसको मिसमैच नजर आता है उसका बायोलॉजिकल सेक्स क्या है और जब वो बड़ा होता है आइडेंटिफाई करता है अपने आप को बिल्कुल अलग पाता है अपने आप को बात समझ में आती है उसी इंसान को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है एक इंसान का जो जेंडर है वो उसकी सेक्स की बुनियाद पर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है जब वो बड़ा होता है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि वो क्या है गेटिंग मई पॉइंट तो इसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर अब एक और टर्म वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है अनफेयर ट्रीटमेंट और प्रिजोड्यूस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन अनफेयर ट्रीटमेंट जब जेंडर के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा किसी स्कूल में काम करते हैं कि मेल को उसी सब्जेक्ट के लिए टेन थाउजेंड दी जाएगी और एक फीमेल को सिक्स थाउजेंड दिया जाएगा दिस इज कॉल्ड अनफेयर ट्रीटमेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की बुनियाद पे आपने डिस्क्रिमिनेट किया फीमेल को ज़्यादा नहीं देना है बस मेल को देना है बात समझ में आती है ना एंड दिस इज कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बात समझ में आती है ना तो ये थी जेंडर और जेंडर के रिलेटेड टर्म्स एट द एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा सेक्स एंड जेंडर को फिर से यहाँ पर इसका एक स्लाइड ऐड किया हुआ है आप इसको पढ़िए मैंने इसको क्लियर किया है पहले ही स्लाइड में आखिर पर मैंने इसको इस स्लाइड में थोड़ा डिटेल्ड लिखा है आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं तो ये था जेंडर और जेंडर रिलेटेड टर्म्स यहाँ पे एक कोट लिखी हुई है इफ़ यू डोंट बिगिन यू वोंट पिन अगर आप शुरू नहीं करोगे आप नहीं जीतोगे तो कहने का मकसद ये है कि आप भी प्रपरेशन स्टार्ट कीजिएगा कहते हैं इफ़ यू डोंट बिगिन यू वोंट पिन अगर आप शुरू नहीं करोगे आप नहीं जीतोगे तो इट्स रेस्पांसिबलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट कि वो प्रपरेशन स्टार्ट करें और अल्लाह ताला ने खैर लिखा होगा आपके लिए ये था जेंडर और जेंडर रिलेटेड टर्म्स जितना भी होगा इसके बारे में मैं डिटेल में बोलूंगा इनशाला आई होप कि इस लेक्चर में आपको ये जेंडर रिलेटेड टर्म्स क्लियर हुई होंगी इसके अलावा जो कोई भी चीज़ इसमें रह जाएगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा रिक्वेस्ट आप सबसे है प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन कॉमेंट सेक्शन आपका कोई सवाल हो कोई डाउट हो किसी जगह आप बिल्कुल कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में मैं उसका जवाब दूँगा इनशाला डाउट क्लियरिंग सेशन में और ये वीडियो बाकियों तक भी पहुंचाओ अपने फ्रेंड्स जो हैं जो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं उनको भी दिखाओ हर एक चीज़ इन डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपका अगर कोई भी सवाल होगा वो भी आप करोगे एंड यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू विल प्रेस द बेलाइकन थैंक यू वेरी मच असलैक